हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप अपनी जिंदगी का 2 से 3 मिनट मुझे दे दो, मैं वादा करता हूँ कि आने वाले एग्जाम में आप फाड़ कर रख दोगे। मेरे दोस्त, एग्जाम हॉल एक ऐसा मैदान है जहाँ सैकड़ों लोग अपने आप से लड़ रहे होते हैं, दिमाग से खेल रहे होते हैं। आप भी तैयार हो जाओ, अपने पेन को तलवार और कॉपी को मैदान समझकर जंग में उतरने के लिए। मेरे दोस्त, एक क्रिकेटर नेट पर सालों तक मेहनत करता है, 4-5 घंटे पसीने बहाता है, कोई बैटिंग करता है तो कोई बॉलिंग करता है, लेकिन यह सब दुनिया को नहीं दिखाई देता है कि उसने कितनी मेहनत करी है। दुनिया तो सिर्फ उसे जंग के मैदान में परफॉर्म करते हुए देखना चाहती है कि वह कितना रन बनाता है, कितने विकेट्स लेता है, तभी वह महान बनता है। वरना कौन क्रिकेटर, कैसी मेहनत, घंटा फर्क पड़ता है। मेरे दोस्त, आप अपने कुछ साल पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। क्या आएगा पेपर में वह आप भी नहीं जानते हो, मैं भी नहीं जानता हूँ। बस इतना जानता हूँ कि आपने पढ़ाई नहीं की है, अभी पढ़ लो जितना पढ़ना है, लेकिन जिस दिन तुम्हें मैदान में उतरना है उस दिन तुम्हें कुछ नजर नहीं आना चाहिए, बस लिखना है और कुछ नहीं। यह जो तुम्हारा दिमाग है ना, वह एक कंप्यूटर की तरह है, इसमें सब कुछ है, पूरी किताबें हैं, पूरी दुनिया है, आपकी पूरी जिंदगी की याददाश्त है। बस आपको ढूंढना है कि कौन से सवालों के जवाब किस फाइल में घुसा पड़ा है। कैसे ढूंढना है वह आप जानो, कैसे लिखना है वह आप जानो। बस इतना याद रखना कि अगर आप अभी नहीं लिखोगे तो फिर कभी नहीं लिख पाओगे। जो कुछ भी तुमने मेहनत करी है उसका रिजल्ट देखने के लिए पूरी दुनिया तैयार है। आपके माँ बाप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा इस बार टॉप करेगा। तुम भी तैयार हो जाओ जंग के मैदान में आग उगलने के लिए, पूरे होशो हवास में, पूरे जोश में, पूरी हिम्मत के साथ खुद से लड़ना है, अपने दिमाग से लड़ना है, सवालों के जवाब से लड़ना है, इन हजारों स्टूडेंट से लड़ना है जो तुम्हारे आसपास बैठकर पेपर लिख रहे होंगे। किसी को आगे बढ़ने नहीं देना है, किसी को जीतने नहीं देना है, क्योंकि तुम्हें टॉपर बनना है। इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती है, रगड़ के रख दो, कुछ नहीं छोड़ना है, जो आता है सब लिख डालो, हिम्मत मत हारना, छोड़कर मत आना, क्योंकि यही वक्त है आपको अपना पावर दिखाने का। तुम कितने पावरफुल हो, तुम कितने पढ़ाकू हो, पता है ना। दुनिया मेहनत से जज नहीं करती, दुनिया रिजल्ट से जज करती है। जब तुम एग्जाम देकर निकलोगे ना, जब रिजल्ट आएगा ना, तो आपके रिश्तेदार, पूरी दुनिया आपसे पूछेगी कितना नंबर लाया है बेटा, तो तुम कम से कम यह बोल सकोगे कि 95-96 लाया हूँ। तुम ऐसा रिजल्ट कभी मत लाना कि मुंह दिखाने के लायक ही ना रहो। सोचना बंद करो, अपने आप को पावरफुल बनाओ। जितने भी टॉपर, जितने भी पढ़ाकू लोग हैं, तुम्हें उसे जवाब देना है। एक बात याद रखना मेरे दोस्त, जब कोई इंसान कामयाब होता है ना, तो पूरी दुनिया सलाम करती है, कदमों के नीचे झुक जाती है, चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन जब कोई फेल होता है ना, तो कोई थूकता भी नहीं। मेरे दोस्त, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर जिंदगी में कभी भी मेहनत करो ना, तो कामयाब होने के लिए मेहनत करना, ना कामयाब होने के लिए नहीं। और यही वक्त है तुम्हारे पास कामयाबी को जाहिर करने का, अपने आप को प्रूफ करने का कि तुम बहुत कुछ हो। और यह प्रूफ तभी दे सकते हो जब तुम अपने एग्जाम में कमाल करोगे, अपने माँ बाप के नाम को रोशन करोगे कि जब मेरा बेटा एग्जाम हॉल से बाहर निकले तो चेहरे पर मुस्कान हो। और चेहरे पर मुस्कान तभी होगी जब जंग के मैदान में हजारों को एक साथ पटक दोगे। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाओ। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प रखो। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, यह वीडियो आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।